A circular disc of radius capital R is removed from a bigger circular disc of radius 2r, such that the circumferences of the discs coincide. The center of mass of the new disc is alpha r from the center of the bigger disc. The value of alpha is. Here are the options. So students, what the question is saying, we have a large disc of radius 2r. एंड वी हैव स्कूप्ड आउट, हमने इसमें से एक आर रेडियस की डिस्क बाहर निकाल ली, सर्कमफेरेंस कोइंसाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस डिस्क को हमने बाहर निकाल के मान लीजिए रख दिया ऐसे, ओके? हमें ये पता लगाना है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, बस ये बोला गया है कि रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर से इस दूरी पर है अल्फा आर, तो अल्फा की वैल्यू बता दीजिए। हम निकाल लेते हैं आंसर, अल्फा कोफिशिएंट तो निकल ही आएगा, पर इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका समझिए। अगर मैं इसको उठा के वापस रख दूं तो वापस इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा पूरे सिस्टम का, 0.0 पे। तो क्यों ना मैं इस बॉडी को और इस बचे हुए पोर्शन को एक सिंगल पॉइंट मान के चलूं, वो भी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यही होता है कि पूरी बॉडी जगह उसकी जगह रोल प्ले करने वाला एक पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। यानी कि इस पूरी की पूरी डिस्क का रोल प्ले कौन कर सकता है, ये एक सिंगल पॉइंट एज अ फॉर्म ऑफ पोजीशन। सेंटर ऑफ मास सेंटीमीटर में होता है ना, मीटर सेंटीमीटर, तो इस बॉडी की पोजीशन को एक पूरी डिस्क की जगह एक पॉइंट भी उसका रोल प्ले कर सकता है, कैन सब्स्टिट्यूट। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट का सब्स्टिट्यूट भी एक पॉइंट हो सकता है, सपोज यहां पे। बस इतना करने के बाद अब आपके लिए क्वेश्चन नॉर्मल हो गया है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें ऐसे कि एक बॉडी यहाँ रखी पार्टिकल और एक पार्टिकल यहाँ रखा है, इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आर कॉमा जीरो है, इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स माइनस एक्स कॉमा जीरो है, और हमें पहले से पता है कि इनका सेंटर ऑफ मास 0.0 है। खत्म क्वेश्चन, आप फॉर्मूला रख दीजिए सेंटर ऑफ मास के लिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए रखते हैं फॉर्मूला, क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। नाउ एम वन एक्स वन इज आर, एम टू दिस इज माइनस एक्स अपॉन एम वन प्लस एम टू, और ये जीरो के बराबर है। ये सब सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्स विच इज कमिंग आउट टू बी, ये जीरो चला जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो रहा है, एम वन बाय एम टू इंटू आर, दैट इज द फाइनल आंसर। एम वन बाय एम टू आंसर आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका एम वन बाय एम टू निकालने का। एम वन क्या है, ये डिस्क है ना, इसका आसानी से आप मास निकाल सकते हैं। हालांकि पूरी जो डिस्क है उसका रेडियस जो है टू आर है, तो उसका पहले एरिया निकालें, पाई टू आर का स्क्वायर का मास एम ले लीजिए। तो एक तरह से लिखा क्या है, फोर पाई आर स्क्वायर लिखा है ना, इसका मास आपने एम ले लिया, तो इस जिसका तो रेडियस आर है, तो इसका पाई आर स्क्वायर, इसका मास क्या लोगे, एम बाय फोर। तो हमें एम वन मिल गया विच इज एक्स इक्वल्स टू एम बाय फोर, और रिमेनिंग क्या होगा, थ्री एम बाय फोर इंटू आर, ये कैंसिल, सो वी गेट द आंसर इज आर बाय थ्री। तो एल्फा की वैल्यू क्या आई, वन बाय थ्री। That is how you solve such questions. आप बस जो भी बॉडीज बची हुई और जो स्कूप आउट की हुई है उनको उनकी जगह पर एक पॉइंट अज्यूम करके और सिंपली इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत आसान रहेगा।